वेलकम टू केमिस्ट्री अकेडमी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक बहुत ही अहम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। और से देखने इस क्वेश्चन को, क्योंकि नीट एग्जाम में और बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग आसानी से पहचान सकेंगे कि किसके एसिडिक स्ट्रेंथ कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को गौर से देखें। पहले ऑप्शन में दिया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरे में दिया गया मैं बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, तीसरे में हमें दिया गया बेरियम ऑक्साइड और चौथे में हमें दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है। तो आप एक चीज़ इनमें रखें, जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं ना मेटल के केस में, तो जो हमारे पास मेटेलिक करैक्टर होता है, मेटेलिक करैक्टर वो इंक्रीज होता है। मेटेलिक करैक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। मेटेलिक करैक्टर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक नेचर के, बेसिक नेचर के। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया एसिडिक नेचर, इसका मतलब जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे हमारे पास बेसिक नेचर यानी कि वो इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब जो टॉप के ऊपर एलिमेंट होगा वो फिर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना वो डिक्रीज होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब है कि पीरियड में जो पहले ही एलिमेंट होगा हमारे पास उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उससे नीचे वाले की कम होगी एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो दूसरे ग्रुप में देखा जाए तो हमारे पास पहले ही नंबर पर कौन आता है? ब्रीलियम आता है। बात की समझ आ रही है कि ब्रीलियम यहाँ पे टॉप पे आता है, ठीक है, ब्रीलियम के नीचे बाकी एलिमेंट आते हैं, तो इसलिए जो ब्रीलियम होगा ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और बेसिक नेचर जो होगी, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।